नमस्कार दोस्तों, शंकर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों के बीच में हम लेकर आए हैं सुनवा कंपनी का इनोलोग मल्टीमीटर। दोस्तों, आज मैं इसमें कुछ नया जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, वीडियो में पूरे बने रहिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों, हम चलते हैं, इस चीज़ के बारे में बताऊँगा कि कभी कभी क्या होता है कि आप मल्टीमीटर को यूज करते हैं और यूज करते करते कोई सामान चेक किए और चेक करने के बाद में भूल गए। भूलने के कारण आप मिस्टेक कर जाते हैं और यही पोल उठा करके सीधे बिजली वाला बोर्ड में लगा देते हैं, जिसके कारण ये मल्टीमीटर खराब हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए इतना चीज़ है चेक करने वाला, रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक किया जाता है, ऐसे हालात में इसमें हम लगा देंगे बोर्ड में तो ये तो खराब हो जाएगा ना, इसका तो सत्यानाश तो हो जाएगा। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि मान लीजिए कभी गलती ही हो जाए, भूल से रेजिस्टेंस चेक करने के जगह पर और यहाँ पे पल उठाकर बत्ती में लगा दे, तो उस जगह पे हम बता रहा हूँ आपको कि कैसे इसको रिपेयर करेंगे। तो ये देखिए, मल्टीमीटर बिल्कुल सही है, इसमें कुछ मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल काम कर रहा है। अब इसको हम चेक करूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 ओम्स में रजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर हम चेक करूँगा 10 ओम्स में रजिस्टेंस को ही चेक किया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 10 ओम्स के रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे देखिए ब्राउन ब्लैक ब्लैक, आपको सही दिखाई नहीं देगा लेकिन ब्राउन ब्लैक ब्लैक है। और इसको हम चेक करेंगे, ये देखिए ये भी चेक करेंगे, ये है ब्राउन ब्लैक ब्राउन। तो पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं कि देखिए ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस हम कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर देखिए 10 ओम्स 20 30 40, ऐसे बीच में क्या है 50 है ना, यहाँ पे सीधे 100 चला गया है। तो यहाँ पे हम 100 ओम्स पे चेक करेंगे, क्योंकि देखिए ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसको चेक करते हैं तो ये 100 ओम्स ही बताएगा, है कि नहीं। तो हल्का सा बढ़ जा रहा है, इसे कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये फिक्स नहीं बताता है ना। डिजिटल मल्टीमीटर बिल्कुल फिक्स बताता है लेकिन ये नहीं बताएगा। और ये देखिए, इसको चेक करूँगा तो ये देखिए ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो आपको फिर से दिखा देता हूँ कि ये 10 ओम्स का ही रेजिस्टेंस है, इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसका मीटर जाएगा सुई, तो यहाँ पर देखिए है कि नहीं, तो ये 10 ओम्स का है। यदि हम इसी पे लगा कर चेक करेंगे ये रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस देखिए ये है 100 किलो ओम्स के, ब्राउन ब्लैक और येलो। तो इसको हम चेक करेंगे, तो इसको देखिए चेक करेंगे तो क्या बता रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं बता रहा है, बिल्कुल नहीं बता रहा है। अब नहीं बता रहा है, क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि ये किलो ओम्स में है। इसको चेक करने के लिए हम जाएंगे सीधे, यदि आप जानते हैं तो फिर से देखिए यहाँ पे क्या बता, यहाँ पर सुई आगे बढ़ गया, क्योंकि हमने 1 पे किया, 1K पे किया, सुई आगे बढ़ गया। फिर इसको सेट करेंगे, सेट किया बिल्कुल 0 पर कर लिया तो आ गया बिल्कुल करेक्ट। इसको हम चेक करेंगे, ये 100 ओम्स का है, तो इसको कैसे चेक करेंगे देखते हैं क्या बता रहा है। तो ये 100 ओम्स का है, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे देखिए सुई यहाँ पे जाएगा, है कि नहीं, देखिए सुई वहीं पे जाएगा। ये 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो ये मल्टीमीटर बिल्कुल ओके है, सही दशा में है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, हो सकता है वीडियो आप देखे होंगे, कहेंगे कि पता ना मीटर सही है कि ख़राब है, आप ऐसे चेक कर दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे पता रेजिस्टेंस हो उसके जो अंदर लगा हुआ है वो पता ना गड़बड़ लगा हो। तो हमको यही बताना है आपको कि अभी वोल्टेज चेक करेंगे, तो देखिए ये बैटरी है, ये बैटरी है क्योंकि शक्तिशील है, और ये 1.5 वोल्टेज का है बैटरी। इसको हम चेक करेंगे तो इसको हम 2.5 वोल्टेज पर सेट करेंगे, क्योंकि 2.5, तो यहाँ पर 2.5 पर चेक करेंगे, यहाँ क्या है 2.5, तो इसको हम चेक करेंगे तो कहाँ लगाए हैं हमने, 10 पर लगाए हैं, तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि 2.5 पर लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जाएगा, ठीक है कि नहीं, तो 1.5 वोल्टेज बता रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, करंट बता रहा है, कोई ख़राब नहीं है। अब बताऊँगा कि जैसे ख़राब हो जाता है मल्टीमीटर तो जल जाएगा बोर्ड में लगाने से, तो उस दशा में अब तो भाई क्या करेंगे, मजबूरी है, वीडियो मिलेगा नहीं देखने के लिए कि यार मुझे वीडियो भी नहीं मिल रहा, कैसे इसको रिपेयर करूं, उस जगह पर कौन रेजिस्टेंस लगाऊं। तो अब इसको हम खोलता हूं, चेक करता हूं आपके सामने, और देखिए क्योंकि
भाई गलती सबसे होती है, ये नहीं है कि हम ही से होगा आपसे नहीं होगा, हमसे भी हो सकता है आपसे भी हो सकता है। तो ये एनालॉग मल्टीमीटर ख़राब हो जाता है तो ये बन भी जाता है, पैसा भी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है। तो ये देखिए बिल्कुल ये सेल भी नए हैं और बैटरी भी नया लगा हुआ है तो काम कर रहा है। और इसमें देखिए कि पहले वाला ये मल्टीमीटर नहीं है, कुछ अलग से चेंज किया गया है, क्योंकि ये रोटरी वाला सिस्टम बनाया हुआ है कंपनी। इसको हम इसको क्या करेंगे, छोड़ा लेंगे, इसमें लॉक होता है, ये लॉक देखिए, लॉक छोड़ाने के लिए थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये इस प्लेट को ऊपर करेंगे, इसको हल्का सा इधर इधर की ओर दबाएंगे, ये वाला हल्का सा उधर दबाएंगे ऐसे, तो ये छूट जाएगा। ठीक है, अभी हल्का सा छूटा हुआ है, अब क्या करेंगे, इसको भी इसे इसको ऐसे इधर दबा देंगे, और इसको भी ऐसे ये लॉक को दबा देंगे, अब ये खुल जाएगा। तो ये देखिए ये लॉक थोड़ा फंसा लिया है, ये नॉब है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सारे SMD रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो यही बताता हूँ कि ये जल जाता है, फूक जाता है। तो आप इसको वीडियो को देख लीजिएगा, अब इसको मैं आपको करीब करके दिखाऊंगा कि बिल्कुल आप इसको देख लीजिए। कभी भी दिक्कत हो ज़िंदगी में, कभी भी ख़राब हो, एनालॉग मल्टीमीटर जल जाए, रेजिस्टेंस फूक जाए, कट जाए, तो आप इस रेजिस्टेंस को इसी नंबर का खोज करके लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए ये रेजिस्टेंस जितने हैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, आप खुद देख लीजिए कि ये देखिए 203 है ये, और ये चलिए हम बता ही देते हैं कि रेजिस्टेंस करके, क्योंकि आप जान नहीं पाएंगे पता ना, तो थोड़ा हम इसको फोकस को बढ़ा लेते हैं तो हो सकता है कि क्लियर दिखाई दे। देखिए यहाँ से हम चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा बॉलर हो जाता है, क्वालिटी नहीं बन पा रही है, हमने लाइट जला दिया है, तो बंद कर देता हूँ इसको। अब देखिए क्या है, ये देखिए बहुत से महीने महीने इसे अक्षर में लिखा गया है, तो ये देखिए यहाँ पे ये तो इसको हम पहली बात ना आपको हम ये एनालॉग मल्टी को हम जो ये प्लेट है ये अपने मीटर से हम चेक करके बता देंगे कि ये किस किस के नंबर का रेजिस्टेंस लगा हुआ, क्योंकि हमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत महीन महीन अच्छा रहा है। अब खुद ये मल्टीमीटर बता देगा कि किस किस नंबर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीमीटर को चेक करने के लिए इसको हम सेट कर लेते हैं, इस पे रेजिस्टेंस पे सेट कर लेते हैं, खुद ये बता देगा कि ये कौन कौन से नंबर के लगे हैं। तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं, और सेल को हम थोड़ा, हो सकता है इसमें कुछ करंट आ जाए, तो इसको बाहर कर लेते हैं, और अब कोई इसमें करंट नहीं आएगा, सिर्फ रेजिस्टेंस का नंबर ही शो करेगा। तो ये क्या बताएगा, देखिए देखिए यहाँ पे 105.2, 105 ओम्स में है, 105 ओम्स में, यहाँ पे आप 100 ओम्स का भी लगा सकते हैं, है कि नहीं, 105 ओम्स दिखाई दे रहा है, जो कि नंबर कुछ अलग दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए एक 1.9, मतलब कि 1 किलो में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 1K। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16 किलो ओम्स में, ठीक 16 किलो ओम्स के ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस है कि जल्दी मिलता नहीं है, तो नंबर ही आपको खोज कर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 23 किलो ओम्स, और यहाँ पे 98 97, तो ये 97.8 जा रहा है, ये 1 किलो में जा रहा सीधे ये, और ये क्या जा रहा है सीधे 546 किलो ओम्स में जा रहा है। और ये देखते हैं, ये 179 किलो ओम्स में जा रहा है ये, और इसको देखते हैं 5.23,
ये किलो में जा रहा है, और ये देखिए क्या बता रहा है, ये सीधे ये 245 ओम्स में रेजिस्टेंस ये बता रहा है। तो इतने नंबर तो ये बता दिया है, अब इसको देख लेते हैं ये क्या बता रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 2 किलो ओम्स बता रहा है, और इधर का हमने चेक कर लिया है। तो ड्राइवर तो आप जान ही सकते हैं कि ड्राइवर कौन है, ये जीना ड्राइवर है। तो ये तो जल्दी ख़राब होता नहीं है, यदि ख़राब होगा तो आप लगा ही सकते हैं। इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं, इधर का ये वाला हिस्सा का हम चेक कर लेते हैं। अब ये वाले हिस्से को चेक करेंगे तो ये देखिए क्या बता रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 3.48 बता रहा है, और 3.48 3.48 मेगा ओम्स बता रहा है, मेगा ओम्स में। और ये क्या बता, देखिए यहाँ पे इसको भी चेक करते हैं तो यहाँ पे भी 0.616 ये भी मेगा ओम्स बता रहा है। इसको चेक करते हैं तो ये क्या बता रहा है, 399 किलो ओम्स में, तो समझिए 400 ओम्स में जा रहा है। और ये क्या है, ये 0.704 मतलब 0.74 किलो ओम्स में, ठीक। और यहाँ पे देखते हैं आगे हम, 19 किलो ओम्स में है, तो समझिए 20 है, 96 है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे है 2.479, तो यहाँ पे 2.5 किलो ओम्स में जा रहा है, मतलब कि आप देखिए 2.48, 2.48, 2.481, ठीक। तो ये 2.48447 ऐसे ऐसे बता रहा है, ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस बता रहा है। और इसको देखते हैं तो ये 102 ओम्स में है, और ये आगे 0, दोस्तों यहाँ पे बता रहा है 0.10 ओम्स, और यहाँ पे तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1.1। तो यहाँ पे हो सकता है कि उतना सही से नहीं बताया, क्योंकि ये लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही बता रहा है, क्योंकि हम जानते थे कि कुछ ना कुछ शॉर्टिंग होगा, क्योंकि शॉर्टिंग एक भी नहीं है। देखिए यहाँ से ये वाला है तो यहाँ से ये वाला है, तो इसमें शॉर्ट ही नहीं है, और ये वाला है तो इसमें यहाँ पे शॉर्ट ही नहीं है, ये वाला है तो इसमें शॉर्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जितना रेजिस्टेंस है इसमें शॉर्ट नहीं है, क्योंकि ये जो है पत्ती है ना, इसमें शॉर्ट होती है तब चलती है। इसमें कोई रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं कि कोई शॉर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो इसमें शॉर्ट के हिसाब नहीं है कि शॉर्ट होगा तो कुछ रेजिस्टेंस का फर्क बता दे। तो ये ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं, फिर से आपको दिखा देते हैं इस चीज़ को कि कभी फिर दिक्कत आए आप रेजिस्टेंस दूसरे में से निकाल करके इसमें लगा सकते, इसी नंबर का लगा लीजिए, बिल्कुल ये सुधर जाएगा, सही हो जाएगा, आपका मल्टीमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा हम क्वालिटी में दिखाना चाहते हैं कि कुछ आपको भी क्वालिटी अच्छा दिखाई दे। तो यहाँ पे आप देखिए क्वालिटी कुछ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है, एक एक चीज दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिल्कुल आप सही से देख लीजिए, है कि नहीं। दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल क्वालिटी के बारे में बताइएगा, क्वालिटी कैसे है, क्योंकि हमें कमेंट मिला है कि क्वालिटी उतना सही नहीं मिलता है वीडियो में। तो हमने क्वालिटी ही चाहता हूँ कि आप क्वालिटी देखिए वीडियो की, क्योंकि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से नॉलेज पा करके अपना मल्टीमीटर को सही कर सकते हैं। अब दिखाई दिया बिल्कुल क्लियर, यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सही दिखाई दिया, और फिर से और ये वाला, हाँ
अब दिखाई दिया सही से, अब इसे देख सकते इधर से, इधर भी सही दिखाई दिया। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, हम नहीं चाहते हैं कि आप इसमें कभी फेल हो, हम नहीं चाहते हैं कि आप मल्टीमीटर को बना सकें, तो हमने तो सारा रजिस्टर को दिखा दिया दोस्तों। अब ज़िंदगी में कभी भी दिक्कत आए तो इस वीडियो को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप हमेशा फेल नहीं होंगे, बना देंगे आराम से, बन जाएगा। तो 16 मिनट का वीडियो हो गया दोस्तों, 15-16 मिनट का वीडियो हो गया, और वीडियो देखने के बाद में आपको कैसा लगा, हम तो चाहते हैं कि आप जान जाए बढ़िया से। वीडियो को स्किप करेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे कोई वीडियो में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर चीज़ आपको बता दें। वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ, और वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।